नमस्ते छात्रों, लास्ट अब क्लास में अपन ने पढ़े थे प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म। उसमें पढ़ा था अपन ने क्रम विन्मयता। आज अपने को प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म में सेकंड पढ़ना है साहचर्यता। अपने को योग के लिए भी पढ़ना है, घटाव के लिए पढ़ना है, गुणा के लिए पढ़ना तथा भाग के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले साहचर्यता क्या होता है, योग के लिए साहचर्यता देख लेते अपन। योग के लिए साहचर्यता गुणधर्म, यानी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है। तो सबसे पहले अपन इसको योग के लिए देखेंगे। साहचर्यता को अंदर अपन तीन संख्याएं लेते हैं, जैसे a प्लस बी कोष्टक, यानी a प्लस बी को अपन कोष्टक में लिखेंगे, प्लस सी इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी दो संख्याओं को एक कोष्टक में लिखना, फिर तीसरी संख्या को अलग लिखना है, फिर एक संख्या को अलग लिखना, फिर दो संख्याओं को एक कोष्टक में लिखना। अगर इन दोनों संख्याओं का मान, इधर वाले भाग और इधर वाले भाग का मान अगर एक समान आता है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये साहचर्यता गुणधर्म लागू हो रहा है योग के लिए। तो अपन ए बी और सी के यहाँ पर अपने को मान रखने हैं। जैसे मैं रखूँ ए का मान एक, बी का मान दो और सी का मान तीन। इस वाले भाग के लिए LHS वाले भाग के लिए, इस वाले भाग को अपन LHS वाला भाग बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी प्लस सी। ये लिखा मैंने, a की वैल्यू है एक, तो एक प्लस b की वैल्यू है दो और प्लस c की वैल्यू है तीन। एक और दो को जोड़ेंगे तो आ जाएगा तीन, और तीन में तीन जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा छः। ए बी और सी की वैल्यू अपन ने LHS वाले भाग में रखी, LHS वाले भाग में रखी, तो ए बी सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान आया सिक्स। अब ये की वैल्यू अपने को RHS वाले भाग में रखनी है। RHS वाला भाग देखा, ये RHS वाले भाग को अपन बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ए की वैल्यू दे रखी यहाँ पर एक, बी की वैल्यू दे रखी दो और सी की वैल्यू ले अपन ने थी तीन। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान रखेंगे एक और बी का मान है दो और सी का मान है तीन। तो एक प्लस दो और तीन को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा पाँच। एक प्लस पाँच इजिकल टू छ। यहाँ पर LHS वाला भाग और RHS वाला भाग एक समान आया, यानी दोनों के आंसर सिक्स सिक्स आए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई संख्याओं के अंदर साहचर्यता गुणधर्म लागू होता है योग के लिए। एक बार वापस देख सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर हो तो यहाँ पर साहचर्यता गुणधर्म का लागू होता है। ये अपन ने देखा था योग के लिए। इसके बाद अपने को देखना है घटाव के लिए, यानी तीन संख्याएं ढेर की हो तो उनमें साहचर्यता नियम का पालन कैसे करते हैं। तो सेकंड लिखेंगे घटाव के लिए साहचर्यता नियम। घटाव के लिए योग के लिए देखा था, तो घटाव में क्या होता है, तीन संख्याएं लेंगे और उसमें माइनस का देखना, दो संख्याएं एक साथ माइनस करनी फिर उसमें से तीसरी संख्या घटानी। जैसे a माइनस बी, दो संख्याएं लिख दी फिर इसके जो आंसर आएगा उसमें से तीसरी संख्या घटानी है, इजिकल टू a माइनस बी माइनस सी। ये तीन संख्याएं देर की है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू रख के देखनी है अपने को। जैसे ए की वैल्यू रखूँ टू, बी की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू फोर। ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी ये LHS वाला भाग इसका LHS, ए माइनस बी माइनस सी। ए की वैल्यू अपन को रखनी है दो, माइनस तीन और माइनस चार। दो में से तीन घटाएंगे, दो में से तीन घटाते तो उत्तर आता है माइनस का एक, माइनस का एक, फिर माइनस के फोर। माइनस के एक और माइनस के फोर इनको जोड़ेंगे तो माइनस के पाँच, यानी ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकाली तो माइनस के पाँच आए। एक बार वापस देखते हैं, ए की वैल्यू रखनी है टू, बी की वैल्यू रखनी है थ्री और सी की वैल्यू रखनी है फोर। ए माइनस बी यानी दो में से तीन घटाने, फिर माइनस चार, दो में से तीन घटाते तो आंसर आता है माइनस का एक, फिर माइनस के चार। माइनस का एक और माइनस के चार इजिकल टू माइनस के पांच। अब इसी संख्या में अपन आरएचएस वाले भाग
में रख के हल करते हैं इनको। आरएचएस वाले भाग में ए की वैल्यू रखनी है 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। आरएचएस राइट हैंड साइड ए माइनस बी माइनस सी, ए की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 4। दो दो मतलब फर्स्ट वाली संख्या को सिंगल लिखना, फिर दो को एक साथ लिखना है। तो यहां 2 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1। अब यहां पर 2 ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस 1, यानी इनका 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी एक का तो आंसर आया -5, दूसरे का आंसर आया 3। तो LHS और RHS यहां पर क्या बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। LHS वाले भाग और RHS वाले भाग का मान एक समान नहीं आया, यहां पर एक समान नहीं आया तो यहां साचर्यता नियम का पालन नहीं हो रहा है। यानी योग के लिए तो साचर्यता नियम का पालन होता है, पर घटाव के लिए साचर्यता नियम का पालन नहीं होता है। इसके बाद गुणा के लिए देखना है, तो थर्ड लिखना है गुणा के लिए साचर्यता नियम। थर्ड लिखेंगे गुणा के लिए साचर्यता नियम। तीन संख्याओं लेनी है अपने को और उसमें साचर्यता नियम देखना है। तो सबसे ए क्रॉस बी गुणा सी, फिर इधर लेंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये तीन संख्याएं ले ली मैंने, दो संख्याएं एक साथ लेनी, फिर तीसरी संख्या को अलग लिखना है, फिर एक को एक साथ देना, फिर दो को एक साथ देना। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखनी है अपने को, तो अपन चाहे तो बटे हुए के रूप में भी लिख सकते हैं इन संख्याओं को। जैसे मैं ए की वैल्यू रखूँ 1/2, बी की वैल्यू रखूँ 3/4 और सी की वैल्यू रखूँ 5/2। ये वैल्यू ली और इसको आरएचएस एलएचएस वाले भाग में रख रहा हूँ पहले में। तो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी गुणा सी, ए की वैल्यू है मेरे पास 1/2 गुणा बी की वैल्यू है 3/4 गुणा 5/2। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का गुणा करना है, तो इसमें ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करना और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना। तो 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 ही आता है, और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है। यानी 1/2 गुणा 3/4 का उत्तर आता है 3/8। फिर जो आगे वाली संख्या है वो है 5/2। यहां पर 3 को गुणा करना 5 से और 2 को गुणा करना 8 से, तो इनका उत्तर आता 15/16। 3 को 5 से गुणा करते तो 15 और 8 को 2 से गुणा करते तो 16। यानी एलएचएस वाले भाग का उत्तर आया अपने 15/16। एक बार वापस देखते हैं, ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 3/4 और सी की वैल्यू है 5/2। फर्स्ट वाला भाग है ए क्रॉस बी, यानी दो संख्याओं को गुणा करना, फिर तीसरी संख्या को अलग से गुणा करके लिखना है ए क्रॉस बी गुणा सी। ए की वैल्यू 1/2 ये लिख दिया 1/2, फिर बी की वैल्यू 3/4 ये 3/4 गुणा सी की वैल्यू 5/2 तो ये लिख दिए 5/2। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो 3/8। फिर आगे वाली संख्या दे रखी है 5/2, ये लिखिए 5/2। यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही, कैंसल नहीं हो रही है, इसीलिए अपन सीधा गुणा कर लेंगे ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से। 3 × 5 = 15 और 8 × 2 = 16। ये लिखा था अपने LHS वाला भाग। अब ये के यही मान अपने को RHS में लिखने हैं। A की वैल्यू रखनी है 1/2, B की वैल्यू 3/4 और C की वैल्यू 5/2। और RHS वाला भाग ये राइट हैंड साइड, इसमें क्या लिखा था A क्रॉस B क्रॉस C, यानी A गुणा कोष्टक B गुणा C। A का मान लिखे अपन यहाँ पर 1/2, B का मान 3/4 और C का मान 5/2। अब इसमें से क्या करना, पहले 1/2 को ऐसे कैसे रहने देंगे, ये 1/2 गुणा 3 को 5 से गुणा करते, 3 को 5 से गुणा करते ज्यादा 15 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, 4 × 8 यानी 2 8 आ जाएगा। अब जो संख्याएं बच रही है इसको आगे वाली स्टेप में गुणा करते हैं। अभी कोई संख्या
कैंसल नहीं हो रही है। तो 15 की टेबल एक बार तो 15 और 8 की टेबल दो बार तो 16। इधर भी 15/16 है, इधर भी 15/16 है, यानी LHS वाला भाग RHS वाले भाग के बराबर है। LHS वाला भाग अगर RHS वाले भाग के बराबर है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर साहचर्यता नियम का पालन हो रहा है, यानी गुणा के अंदर साहचर्य नियम का पालन होता है। इसके बाद लास्ट अपने को देखना था भाग के लिए साहचर्य नियम, तो फोर्थ हेडिंग लगा के लिखेंगे भाग के लिए साहचर्य नियम। नंबर 4 पे आता है भाग, भाग के लिए साहचर्यता। इसके बाद ए भाजक बी भाजक सी इजिकल टू ए भाजक बी भाजक सी, ये तीन संख्याएं ले ली, पहले दो संख्याओं का भाग देना फिर तीसरी संख्या का भाग देना, पहले एक संख्या को अलग लिखना फिर दो संख्याओं का भाग देना है यहाँ पर। इसके लिए भी अपन मान रख लेते, जैसे 1/3 बी का मान 2/5 और सी का मान 3/4, यानी ये मान लिख लिए मैंने। अब इनमें अगर इस भाजकता के नियम का मतलब साहचर्यता का पालन होता है नहीं होता भाग के अंदर, ए भाजक बी यानी 1/3 भाजक 2/5 ये कोष्टक बन, फिर भाजक 3/4 यानी LHS वाले भाग के लिए देख रहे हैं अपन। तो भाग में कोई क्वेश्चन हल नहीं होता है, तो 1/3 ये भाग का निशान तो इसको बना रहा हूँ गुणा का निशान, फिर ये 5/3 संख्या का व्युत्क्रम करना है, जो नीचे जो संख्या लिख रखी है उसको ऊपर लिखना है, 5 यहाँ नीचे लिखे हुए 5 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, ये कोष्टक बन, और फिर ये भाग है जिसको अपन करेंगे गुणा, तो 4/3 यानी संख्या का व्युत्क्रम कर दिया। इनको गुणा करते हैं 5 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 4/3, तो यहाँ पर भी इनको गुणा करते हैं, इधर 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 यानी 20/18 है। एक काम और कर सकते हैं अपन, इसमें 2 का भाग देंगे तो 10/9 यानी LHS वाले भाग का उत्तर आया 10/9। एक बार वापस देखते हैं, एक का मान 1/3 बी का मान 2/5 सी का मान 3/4 रखकर अपन हल करते हैं। ए भाजक बी यानी 1/3 भाजक 2/5, फिर भाजक ये भाग का निशान, सी का मान है 3/4। भाग में कोई क्वेश्चन हल नहीं होता है तो गुणा में हल करते हैं, पहले 1/3 तो ऐसे कैसे ही, फिर ये भाग का निशान ये गुणा में कर दिया मैंने, और संख्याओं को व्युत्क्रम करना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर, 5/2 फिर वापस भाग का निशान तो फिर वापस गुणा का लगा दिया मैंने, और 3/4 थे तो 4/3 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 गुणा 4/3, यहाँ पर भी कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रही है तो मैंने सीधा 5 को 4 से गुणा किया 20 और 6 को 3 से गुणा किया 18, 20/18 आ गया मेरे पास। अब इसमें एक काम कर सकते हैं अपन, ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 20 भी आता है और 18 आता है इसकी टेबल में, यानी 2 की टेबल में 20 भी आते हैं और 18 भी आते हैं, 20 तो 10 बार में आते हैं 18 9 बार में आते हैं, 10/9 लिख सकते हैं। फिर इसका RHS वाला भाग हल करते हैं अपन, RHS वाले भाग में क्या करना है, ए भाजक बी भाजक सी, ए की वैल्यू अपने पास 1/3 भाजक, बी की वैल्यू है 2/5 भाजक, सी की वैल्यू है 3/4। 1/3 भाजक, इससे पहले इस कोष्टक को हल कर लेते अपन, 2/5 ये गुणा का निशान और 4/3 यानी उस संख्याओं को उल्टा लिख लेंगे अपन, गुणा जो चिन्ह लिखते हैं इसको अपन चेंज करते हैं तो उसके आगे वाली संख्या यानी आगे वाली 3/4 है तो इसको इन्वर्स करना, तो 4/3 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद 1/3 भाजक, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 8 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। इस भाग के बाद 1/3 ये गुणा करते तो 15/8 हो जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी, 5 का भाग सॉरी 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है,
पांच बटे में आठ उत्तर आ गए। पहले अपने आंसर आए थे इधर 10 बटे में 9, दूसरे आए थे 5 बटे में 8। ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी LHS वाला भाग RHS वाले भाग के बराबर नहीं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाग के लिए साचर्यता नियम का पालन नहीं होता है। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं, किन किन चीजों में पालन होता है, किन किन में नहीं होता है। शॉर्टकट के रूप में देखिए अपन, तो ये लिखा मैंने योग, योग के अंदर साचर्यता नियम का पालन होता है। कटाव, कटाव में नहीं होता है। गुणा, गुणा के अंदर साचर्यता नियम का पालन होता है। और भाग, भाग के अंदर नहीं होता। यानी दो के अंदर साचर्यता नियम का पालन होता है और दो के अंदर नहीं होता है। यानी योग और गुणा में तो साचर्यता नियम लागू होता है, पर घटा और भाग में नहीं होता है। इसके बाद दो चीजें अपने को और लिखनी थी, योज्य तत्समक और गुणन तत्समक, उसके बारे में देख लेते हैं। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या में अपन क्या जोड़े कि इसकी वैल्यू वो की वही रहे। यानी जैसे मैं बोल दूं पांच, पांच में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि उत्तर पांच का पांच है, तो ऐसी संख्या होगी जीरो। यानी पांच में अगर अपन जीरो जोड़ दें तो उत्तर वो का वही आता है। तो ये इसका योज्य तत्समक कहलाता है। यानी योग का, योज्य तत्समक का मान कितना होता है? जीरो होता है। जैसे कोई संख्या में बोल दूं तेरह, तेरह में क्या जोड़ोगे उत्तर तेरह आ जाए, यानी जीरो जोड़ दो तो तेरह के तेरह आ जाए। यानी कोई सी भी संख्या लो उसमें अगर जीरो जोड़ो तो वो वही संख्या आंसर आती है। जैसे माइनस पाँच बटे हुए दो है, इसमें क्या जोड़ू कि वापस माइनस पाँच बटे हुए दो आ जाए, यानी जीरो जोड़ दूँ। तो यानी एक ये संख्या आंसर लाने के लिए मुझे जीरो जोड़ना होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं योज्य तत्समक का मान शून्य होता है। और इसके बाद यहाँ लिख देते अपन योज्य तत्समक का मान शून्य होता है, शून्य होता है। ये कितनी बार क्वेश्चन सीधे ही पूछा होगा योज्य तत्समक का मान क्या होता है, तो योज्य तत्समक का मान शून्य होता है। इसके बाद आता है गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का मान होता है एक। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का मान, गुणन तत्समक का मान एक होता है, एक होता है। अब गुणन तत्समक क्या होता है इधर देखते हैं भाई। जैसे मैं बोलूं पांच है, पांच को किससे गुणा किया जाए कि उत्तर वापस पांच के पांच आ जाए। पांच को अपन एक से मल्टीप्लाई करें तो इसका मान वापस पांच ही आता है। यानी कोई सी भी संख्या हो उसको अगर तुम एक से मल्टीप्लाई करो तो वो की वही संख्या आंसर आती है। यानी जैसे मैं लिख दूं दो बटे हुए पांच, इसको कौन सी संख्या से गुणा करूं कि वापिस दो बटे हुए पांच है, यानी एक से गुणा कर दूं, तो एक से गुणा करो तो यानी किसी भी टेबल को अपन एक बार बोलते तो वो की वही संख्या उत्तर आती है। तो इस प्रकार गुणन तत्समक का मान होता है एक। इसके बाद बच्चों अपन ने जो प्रश्नावली 1.1 थी उसके सारे क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में करवा दिए थे। तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो। इसके बाद सीधा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.2 से संबंधित मैटर पढ़ेंगे और उसके बारे में जानना अपने को। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।